Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV app डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. निशिकांत के खूनी का पता चल गया. पता चल गया? कौन है? रागिनी. रागिनी? हाँ सर. पूछताछ से पता चला है कि जिस वक्त निशिकांत का खून हुआ, उस वक्त रागिनी ऑफिस में ही थी. जिस वक्त निशिकांत का खून हुआ, उस वक्त रागिनी ऑफिस में ही थी, मगर अटेंडेंस रजिस्टर पर रागिनी का नाम ही नहीं था. रजिस्टर पर एंट्री किए बिना ही ऑफिस में घुस के खून करने का इरादा था सर उसका. पर एक बात है सर, रागिनी एक लड़की है और स्टील वायर से गला दबाने के लिए हाथों में काफी ताकत होनी चाहिए. सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से रागिनी की लंबाई निशिकांत से कम है और जिस तरह से गला दबाया गया है, नीचे से ऊपर, ये तो किसी लंबे आदमी का काम होना चाहिए ना सर. विवेक, जरा उस ड्रॉअर से रस्सी लेके आना. इधर दोनों हाथ से पकड़ो. यस. अब विवेक की हाइट मुझसे कम है, मेरे गले पे भी वैसे निशान आ सकते हैं नीचे से ऊपर अगर इस तरह से मार दिया हो. लाओ रस्सी. अब मेरे पीठ पे चढ़. यस. अगर पीठ पे चढ़ के रस्सी खींच लिया जाए तो निशान नीचे से ऊपर की तरफ आएगा. क्यों? तो मतलब दया, पीछे से लटक कर गला दबा दिया. शायद रागिनी ने निशिकांत का खून इसी तरह किया है. अरे आप लोगों का दिमाग ठिकाने पे तो है. आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं निशिकांत का खून कर सकती हूँ? अरे वो तो मेरे साथ काम करता था, फिर मैं उसका खून करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? और वैसे भी कभी सुना है किसी लड़की को खून करते हुए? ये तो आप रहने दीजिए कि लड़की खून नहीं कर सकती. हम लोग रात दिन खून की बातें करते रहते हैं. हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन खून कर सकता है और कौन नहीं. इसीलिए आप लोगों को हर इंसान खूनी ही नजर आता है. जी बिल्कुल नजर आता है. आप ये बताइए कि कल रात जब निशिकांत का खून हुआ तो आप ऑफिस में ही थी ना? अरे ऑफिस में काम करती हूँ तो ऑफिस में ही रहूंगी ना. और ऑफिस में और भी तो लोग थे. ऑफिस में जो और लोग थे उनका नाम रजिस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है. सिर्फ एक नाम नहीं लिखा हुआ था और वो है तुम्हारा नाम, मिस रागिनी कुमार. अच्छा, रजिस्टर में नाम नहीं है? ऐसा कैसे हो गया? शायद मैं जल्दबाजी में नाम लिखना भूल गई. वैसे किस चीज की जल्दी थी आपको? कहीं भी आग लगी थी या फिर कुछ छिपाना था आपको? नहीं, कोई मेरा इंतजार कर रहा था. वैसे रागिनी जी, आपका इंतजार कौन कर रहा था? निशिकांत जी? नहीं, मिस्टर विक्रमादित्य. विक्रमादित्य? ये वही पॉलिटिशियन है ना जिसके बारे में आपके अखबार ने दो हफ्ते पहले कुछ उल्टा सीधा छापा था? जी, वो आर्टिकल निशिकांत ने लिखा था. उसने विक्रम जी के ऊपर करप्शन के गलत इल्जाम लगाए थे और इसीलिए तो वो कल मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए थे, ताकि वो लोगों को बता सके कि जो पहले लिखा गया था वो सब गलत था. कमाल की बात है, अखबार का एक रिपोर्टर विक्रमादित्य के ऊपर कीचड़ उछालता है और उसी अखबार का दूसरा रिपोर्टर कीचड़ को साफ करने की कोशिश करता है. ये चक्कर क्या है? देखिए, हमारा अखबार सिर्फ सच का साथ देता है. और ये भी तो सच है कि तुम्हारी और निशिकांत की बनती नहीं थी. 36 का आंकड़ा था तुम दोनों के बीच. क्यों? मैंने उससे 2 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन प्रमोशन उसको मुझसे पहले मिल गया. बस इसी बात का मलाल था मेरे दिल में. रागिनी जी, इतना ही काफी है किसी को ऊपर पहुंचाने के लिए. अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसे आपसी भेदभाव तो हर ऑफिस में होते हैं. हर कोई चलता है एक दूसरे से. दूसरे की बातें छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए. देखिए, आप लोग बेवजह मुझ पे शक किए जा रहे हैं. अरे जब निशिकांत का खून हुआ था तब विक्रम जी भी तो थे ऑफिस में. आप विक्रमादित्य पे इल्जाम लगा रहे हैं? जी नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही. मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब निशिकांत का खून हुआ तब विक्रम जी भी तो ऑफिस में थे और वैसे भी वो भी तो चिड़े हुए थे उनसे. वो तो तुम्हें इंटरव्यू दे रहे थे ना उस वक्त, तो फिर? हाँ, पर बीच में वो उठकर चले गए थे वॉशरूम और तकरीबन 15-20 मिनट तक वापस नहीं आए थे. तो हो सकता है निशिकांत का खून उन्होंने ही किया हो. विक्रमादित्य जी, 2 हफ्ते पहले सिटी न्यूज में आपके खिलाफ एक आर्टिकल छपा था जिसने बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई थी आपकी.
घूसखोरी से लेकर भ्रष्टाचार के सारे इल्जाम लगाए थे आपके ऊपर। मैं उन्हीं बेबुनियाद इल्जामों की सच्चाई बताने गया था कल रात वहां पर। अच्छा, तो सच्चाई बताते बताते दिल की भड़ास भी निकाल दी? What? आपके खिलाफ जो कहानी छपी थी अखबार में वो निशिकांत ने लिखी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने निशिकांत का? What do you mean? तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? इतना घिनौना इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए मिस्टर, फिलहाल तो आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं, एक ऐसे आदमी जिस पे हमें शक है, इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोऑपरेट विद अस। तुम लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। मैं अभी एसीपी प्रद्युमन से बात करता हूँ, तभी तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। रवि, एसीपी साहब को फोन लगाओ। सर, मिस्टर विक्रमादित्य आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर। एसीपी साहब, ये क्या हो रहा है? आपके ऑफिसर्स मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो आ जाइए ब्यूरो, कीचड़ साफ कर देंगे। What? नहीं सर, मैं सीआईडी ब्यूरो नहीं आ सकता। मैं इनके सभी सवालों के जवाब यहीं पर दे दूंगा। हाँ, कॉन्सेंट्रेट। अब सब अपनी आंखें बंद करो, आत्माओं को आवाज दो, दूसरी दुनिया की आत्माओं को बुलाओ, उन्हें पुकारो, उन्हें इस कमरे में बुलाओ। अब सब एक साथ आवाज दो, आत्मा सामने आओ, 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 आत्मा सामने आओ। विकी, क्या हो रहा है तुम्हें? विकी, कुछ बोलो ना, कहीं इसके अंदर सचमुच आत्मा तो नहीं आ गई? देखने से तो ऐसा ही लगता है। राहुल, राहुल तुम कौन? इसने तो मुझे मार ही डाला था। विक्की, कहीं ये मर तो नहीं गया? विक्की, विक्की, पल्स तो चल रही है। What nonsense? ये सब मजाक था? अगर मैं हार्ट फेल हो जाता तो क्या? अगली बार हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते। What's wrong with you? ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? Just relax guys, ये प्लान शीट से कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई आत्माएं नहीं आती। अगर तुम लोगों को सच में आत्माएं देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। भीमगढ़? ये कहाँ है? शहर से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, वहाँ मेरे अंकल का एक बंगला है जो हॉन्टेड है, जहाँ आत्माएं बसती है। तो तुम्हारी अंकल उस हॉन्टेड बंगलों में रहते हैं? अरे नहीं यार, वो तो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने उसके लिए केयर टेकर छोड़ा हुआ है। अगर तुम लोगों को वाकई कोई आत्मा देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। Sounds exciting. चले। मैं उस हॉन्टेड बंगलों में नहीं जाऊंगी। Oh, come on, Anita. We'll have fun. Let's go. अब कुछ बोलो भी यार तुम लोग। प्लीज। ठीक है, लेट्स गो। ये बंगला तो किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहा है यार। मैंने कहा था ना, तुम लोगों को अगर सच में आत्माएं देखनी हो तो इसी बंगले में मिलेंगी। यार, मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वैसे भी ये बंगला बाहर से इतना डरावना है, वो अंदर से ना जाने कैसा होगा। अरे, ये केयर टेकर कहाँ रह गया यार? उसे क्या हॉर्न सुनाई नहीं देता? ये लो, आ गया। ये कैसा केयर टेकर है? ये मेरे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयर टेकर है।
सन्नाटे में खून की आवाज ज्यादा ही गूंजती है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।